हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। मैं हूं निखिल, आपका दोस्त एंड होस्ट। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जब भी आपका अपनी कार के बैटरी परचेस करने जाएंगे तो आपको अपने कार के बैटरी के लिए डील कैसे करनी है, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। जब आप बैटरी परचेस करने जाएंगे तब आपको उसके प्राइसिंग, कहां से आपको बैटरी परचेस करना है, कैसे डील करना है, ताकि आपको अपने बैटरी की सर्विस अच्छे से मिल सके, तो उसी के बारे में आज जानने वाले हैं। वीडियो सारा उसी के रिलेटेड होने वाला है। दोस्तों, मुझे कुछ कमेंट्स आते हैं, जैसे मेरी बैटरी के बारे में, मेरी बैटरी का प्राइसिंग बताइए, कार बैटरी का या फिर मोटरसाइकिल का जो टू व्हीलर है उसका प्राइसिंग बताइए। दोस्तों, बैटरी का पर्टिकुलर ऐसा प्राइस नहीं होता है। जब आप मुझे बताएंगे कि आपके कंपनी की गाड़ी, मतलब कौन से कंपनी की आपकी कार है, होंडा है, मारुति है, शेवरलेट है, उसका मॉडल नंबर बताएंगे, जैसे मुझे आप बताएंगे कि आपकी मारुति की स्विफ्ट डिजायर है, पेट्रोल है या डीजल वेरिएंट है, तो हिसाब से मैं आपको बैटरी के बारे में बता सकता हूँ। अगर आप बोलेंगे कि बाइक की बैटरी मुझे बता दीजिए, तो आपकी पर्टिकुलर बाइक कौन सी है, हीरो होंडा प्लस है, स्प्लेंडर है, क्या है, तो आपको मुझे बताना पड़ेगा, तभी मैं आपको बताऊंगा कि आपके बैटरी की कौन सी बैटरी आपकी गाड़ी में लगती है, उसका प्राइसिंग क्या है। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी आप बैटरी परचेस करने जाएंगे तो दोस्तों आप गूगल में सबसे पहले डाल दीजिए नियरेस्ट डीलर टू मी, तो आपके सामने दोस्तों जस्ट डायल का पेज होगा, या फिर आपके मोबाइल में जस्ट डायल का एप्लीकेशन होगा, आप डायरेक्ट वहां से भी जा सकते हैं। गूगल में भी डालेंगे तो गूगल के थ्रू भी आप जा सकते हैं। तो जस्ट डायल में जाइए, जस्ट डायल के थ्रू आप जाएंगे तो वहां पे आपके सामने सारी लिस्ट, ऑथराइज डीलर की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो आपको वहां से 5 डीलर की लिस्ट निकालना है, जो भी टॉप में है आपके नियरेस्ट में, वहां से आपको उनकी लिस्ट निकालना है, उनके आपको कमेंट्स पढ़ना है कि उनके कमेंट्स कैसे है। तो सबसे पहले आपको उनके कमेंट्स पढ़ना है, ताकि आपको पता चल सके कि वो डीलर कैसा है, उसकी वर्क कैसी है, मतलब कस्टमर के रिव्यू की वजह से आपको पता चल पाएगा कि वो शॉप का कैसा है, मतलब वो शॉप में जाने के बाद में वो सर्विस कैसे देता है, मतलब कस्टमर के रिव्यू पढ़ने के बाद आप वो शॉप में जा सकते हैं। तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि आप उसके कमेंट पढ़े। उसके बाद में आपको वहां से नंबर निकालना है शॉपिस का, मतलब जो भी आपके सामने 5 लिस्ट है उनको लगाना है आपको फोन। तो फोन लगाने के बाद में मान लीजिए आपके कोई भी एक पर्टिकुलर कार की बैटरी आपको परचेस करना है, कार का मॉडल बता दीजिए आप, तो आपको प्राइसिंग बताएंगे। तो पांचों जन से आपको बात करना है, पांचों से आपको अलग अलग प्राइसिंग आ सकता है। हो सकता है कि उसमें से कोई आपको मतलब प्राइसिंग ना भी बताए, तब आप समझ जाना कि वो आपसे बात करने में उतना इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब आप उनके पास में बैटरी परचेस करने जाएंगे तब वो आपको उतना एंटरटेन नहीं करेगा, आपको उतनी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। तो ये भी आपको बातें ध्यान में रखना है। ये होगी प्राइसिंग की बात, मतलब आपने 5 जन को प्राइस किया, उसमें से 4 जन ने आपको प्राइस दिया, तो प्राइसिंग में आपको कम ज्यादा प्राइसिंग मिलती है। जैसे 35 एम्पीयर की बैटरी आपके पेट्रोल वेरिएंट कार में लग गई, स्विफ्ट में मान लीजिए, उसमें आपको कैसे 3000, कैसे 3300, कैसे 3500, कैसे आपको मतलब पुरानी बैटरी लेके 37 3700 ऐसे प्राइसिंग आपको मिल गए। तो आपको ये भी नोट करना है कि प्राइसिंग क्या है। उसके बाद में आपको ये भी समझना है कि उन्होंने आपसे कैसे बात की। आप किसी को फोन लगाते हैं, प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं, तो आपको समझ में आता है कि वो आपको किस तरीके से एंटरटेन कर रहा है, मतलब फोन में कितना नॉलेजेबल आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर वो बोलेंगे हाँ मिल जाएंगी, आ जाओ, ऐसा, तो आप समझ जाइए, या फिर फोन में एक्टिवली आपसे बात कर रहे हैं, हाँ सर आ जाइए, मैं आपको बताता हूँ ये गाड़ी में आपकी बैटरी लगती है, तो आप समझ जाइए वो एक्टिव है। भले जिसने आपको 3000 रुपए प्राइस दिया है उसने आपसे अच्छे से बात नहीं किया, पर जिसने आपको 3300 3300 रुपए प्राइस दिया है, 200-300 रुपए ज्यादा भी प्राइस दिया है, पर उसने आपको अच्छे से एंटरटेन किया है, तो आपको जाना है उसके पास। आपको उसके पास क्यों जाना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ठीक है, अभी आपकी बात उससे होगी, मतलब 5 डीलर से आपने जो बात की उसके रिव्यू पड़े, उनसे बात करने के बाद में जिस डीलर के पास आपको जाना है, तो आप उसके पास में चले जाइए जब आपको बैटरी परचेस करना है। उसके लोकेशन पे जाने के बाद आप देख लीजिए आपको कौन सी कंपनी की बैटरी परचेस करना है, वो भी आपके दिमाग में रहते हैं। एमरॉन की एक साइड की जब आपको आपकी बात उससे होती है, तब वो आपको दोनों प्राइस बता देगा, आप अपने दिमाग में लेके चले जाते हैं कि आपको एमरॉन लेना है, एक साइड लेना है। मैक्सिमम लोग तो एमरॉन एक साइड लेते हैं, मैं तो रिकमेंड करता हूँ एक साइड एमरॉन, एसएफ सोनिक एक साइड का ब्रांड है, ये आपको अभी पता चली गया है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ क्योंकि एक सस्ते में आता है। तब आप कोई भी बैटरी ले सकते हैं, अल्यूमिनस, ल्यूगार्ड, ओकाया वगैरह भी होगी, तो काफी सारे ब्रांड अवेलेबल है। तो वहां पे जाने के बाद में आपको सारे बैटरी देखना है, बैटरी देखने के बाद में आपको उसके प्राइसिंग तो वहां पे डिस्कस करना है, वहां पे डिस्कस करने के बाद में आपको वो सारी बातें बता देगा। मतलब जब भी आप कार की बैटरी परचेस करेंगे उसके पास में जाएंगे, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज रखना है तो आप उसको पूछ सकते हैं सब कुछ। अगर वो इंटरेस्ट मतलब आप उसने आपसे अच्छे से बात की तो वो आपको सब कुछ बता देगा वहां पे जाने के बाद। मतलब अभी आप पॉइंट है, मैंने बोला है कि सर्विस आपको कैसी मिलेगी, तो वहां पे जाने के बाद में आपको उसको पूछना है कि आपकी जो पुरानी बैटरी है उसके पैसे कितने मिलेंगे, तो आपको प्रॉपर पूछना है उसका वेट कितना है, स्क्रैप का वेट कितना है, लीड प्राइस का वेट कितना है, वो हिसाब से आपको वेट मिलता है। मैक्सिमम 500 रुपए काट के दे देते हैं, कोई 400-500 रुपए। आपको नॉलेज नहीं होता है इसलिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पर्टिकुलर वो भी बताऊंगा कि आपके गाड़ी का वेट कितना है, स्क्रैप का वेट कितना है, तो उसको पर्टिकुलर पूछना है। अगर आपको एग्जैक्ट वेट पता है आपके कार के बैटरी का, आप उसके पास में जाएंगे, 70-80 रुपए वेट किलो के वेट के हिसाब से चलता है। मान लीजिए आपकी बैटरी 10 किलो की है,
70 रुपए रेट चलता है तो 700 रुपए आपको मिल सकते हैं, तो वो कम पैसा काट के आपको देते हैं। तब उसको आपको सारी बातें पूछने, अगर उसने फोन पे आपसे अच्छे से बात की तो आपको सब कुछ वहां पे शॉप में जाने के बाद बता देगा। अगर वो नया डीलर भी है तो भी आप ऐसा मान के मत चले कि नया डीलर है तो बाद में बंद हो गया तो मुझे सर्विस कैसे मिलेगी। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ जितना बड़ा ब्रांड आप लेंगे आपको सर्विस कहीं से भी मिलेंगी। आपको बिल और वारंटी कार्ड संभाल के रखना है, मस्ट है वारंटी कार्ड। वारंटी कार्ड अगर आप संभाल के रखते हैं उसकी शॉप कुछ टाइम के बाद में बंद भी हो जाती है, चेंज भी हो जाती है, तो भी आप कहीं से भी रिप्लेस करा सकते हैं क्योंकि ये कंपनी की ऑल ओवर इंडिया सर्विस है एक्साइट की। एमरॉन के साथ में जा सकते हैं, एमरॉन के भी आपको कहीं से भी ऑथराइज डीलर के पास में जाके आपको सर्विस मिल सकते हैं। इसलिए मैं बोला कि आपको मतलब कंपनी के साथ ही जाना है। तो होगी आपकी डील, आपने उसको रेट पूछ लिया, आपने उसने आपको रेट बता दिया, तो जब आपको एग्जैक्ट प्राइस पता है एमआरपी पे आपको पूछना है उसको कि कितना परसेंट वो डिस्काउंट आपको देता है। मान लीजिए 5000 की बैटरी है, 5000 में तो कोई आपको देगा नहीं, उसमें आपको 500 रुपए डिस्काउंट 4500 में मिलता है। उसके बाद में आपकी बैटरी की प्राइस 700 से 800 या 1000 रुपए मान लीजिए कम होगी तो 3500 रुपए तक की आ गई। तो दोस्तों जितनी बड़ी बैटरी है उतनी एमआरपी ज्यादा होती है, जैसे मैंने 3500 की बताई है, तो दोस्तों ये 3300-3500 रुपए तक के आपको आ सकती है। तो आप कैलकुलेशन लगा लीजिए कि आपको पहले तो अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा बैटरी के ऊपर में 10% का, उसके बाद में डीपी पे वो आपके जो प्राइसिंग है वो काट के आपको माइनस करके दे देंगे। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना काफी जरूरी है। तो फ्रेंड आपकी डील होगी, मान लीजिए आपने एमरॉन की बैटरी, आप मान लीजिए आपने एक्साइट की बैटरी ले ली, तो एक्साइट की बैटरी आपको 36 महीने की आती है और 48 महीने की आती है, तो आपको परचेस करना है 48 महीने की। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि 48 महीने की रिकमेंड करता हूँ कि 48 महीने की ले लीजिए, क्योंकि एक बार आपने ले ली तो 48 महीना चलना ही है। उसका मेंटेनेंस वगैरह दोस्तों उतना मेंटेनेंस नहीं, अभी मेंटेनेंस की बैटरी आती है उसमें वो एसिड मतलब वाटर लेवल तो होता ही है, वाटर होता है एसिड भी होता है, तो मेंटेनेंस भी आप कर सकते हैं। मेंटेनेंस कैसे करना है दोस्तों, आप जो सल्फेशन बैठा है आपके जो गाड़ी के टर्मिनल है उसको आपको हमेशा साफ करते रहना है। साफ करते रहने की वजह से और वाटर लेवल भी आपको देखना है, मतलब गाड़ी आप कितना सेल्फ देते हैं, 1 सेल्फ में आपकी गाड़ी स्टार्ट होना चाहिए, वो हिसाब से गाड़ी का मेंटेनेंस बढ़ता रहता है, मतलब चलता है। अगर आप ज्यादा सेल्फ दे रहे हैं तो वो गाड़ी की जब पावर ज्यादा खींचती है गाड़ी आपकी, तो उसकी वजह से बैटरी का पावर खींचने की वजह से बैटरी में दिक्कतें आ सकती है, मतलब उसकी लाइफ कम हो जाती है। वैसे तो दोस्तों आपकी जितनी बैटरी की लाइफ है, अगर आप गाड़ी ऐसे चलाते हैं या फिर हफ्ते या महीने में टर्मिनल भी साफ करते रहते हैं, उसके सल्फेशन जो बैठा है वो निकालने की वजह से, मतलब सेल देने के बाद में जो करंट पास होता है वो इजीली पास होने की वजह से, मतलब ये मेंटेनेंस का ही एक पार्ट है। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे दोस्तों 48 महीने की बैटरी वारंटी के खरीदने के बाद में आपको उससे अच्छे से रिलेशन बॉन्ड मतलब बनाना है 48 महीना, क्योंकि वो आपको वारंटी देगा। ठीक है, कंपनी के बंदे भी आपको सर्विस दे देंगे, मतलब फोन करके एक टोल फ्री नंबर होता है वो नंबर पे आप बात करके सारी जानकारी कंपनी से ले सकते हैं, पर उससे भी आपको रिलेशन बनाना है क्योंकि हर बात आप कंपनी को नहीं पूछ सकते, आपको सर्विस वही बंदा देगा जहां से आप बैटरी परचेस करते हैं, तो इसलिए आपको उससे अच्छे से रिलेशन बॉन्ड करना है। तो 48 महीने हो गए मतलब 4 साल कुछ आपको देखना नहीं पड़ेगा। हो सकता है आपकी बैटरी 3 साल में खराब हो जाए, तो आपकी गाड़ी के ऊपर भी डिपेंड है, ऐसा नहीं कि बैटरी में खराब आती है। तो बैटरी का अगर आप अच्छे से मेंटेनेंस सर्विस कराते हैं तो आपकी बैटरी की लाइफ भी आपको अच्छे से मिलेगी, तो आपको 4 साल उससे अच्छे से सर्विस मिलेगी। आपको इसलिए उससे अच्छे से बॉन्ड मेंटेन रखना है कि 4 साल आपको कुछ भी आपके गाड़ी में इश्यू आए तो उसको कॉल लगा लीजिए, जैसे उसने आपसे पहले बात किया तो हमेशा ही बात करेगा क्योंकि उसको उसका बिजनेस बढ़ाना है, तो बात करेगा ही करेगा। तो ठीक है, उसके बाद में जब दोस्तों वारंटी की बात आती है उसको आपको वारंटी पूछना है। अगर आपने वारंटी की बात नहीं की तो आपने क्या किया, तो आपको उसको वारंटी पूछना है कि वारंटी कैसी है। तो कोई कोई बता देते कि 48 महीना वारंटी, 36 महीना वारंटी, तो उसमें पर क्या होता है जो आपका बॉक्स होता है उस पर लिखा हुआ रहता है वारंटी कैसी देती है, तो 50% मतलब 24+24 उसकी वारंटी होती है, 36 महीने की लेते हैं तो 36+36 उसकी वारंटी होती है। अगर 24 महीना 48 महीना है तो 24+24 महीने में बैटरी को जब आप परचेस करते हैं वो डेट से 24 महीने में कुछ भी हो जाता है, खराब हो जाती है मान लीजिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट है। उसके बाद में जो 24 महीना बचे हैं उसमें 6-6 महीने का ग्रेस पीरियड रहता है, उसमें आपको 50% 40% डिस्काउंट से आपको मिलता है, तो वो भी आप जान लीजिए। ये बातें आपको उससे पूछना है और ये सब वो उसको पूछना है, वो आपको गाइड करेगा। अगर आप पूछते हैं तो कोई कोई नहीं बताते, कोई कोई बता देते हैं पर कोई कोई नहीं बताते इतनी सारी बातें, तो ये भी आप बातें ध्यान में रख दीजिए, सब कुछ आप उससे डिस्कस कर लीजिए। सो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको हमेशा ऐसे लेटेस्ट वीडियो में मिलते रहते हैं और ऐसे नॉलेजेबल वीडियो में आपके लिए लेके आते रहता हूँ। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन बटन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। दोस्तों हंसते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।